बस सही आ रही है, सर। किसी को आवाज के लेके दिक्कत नहीं। नहीं सर। चलो तो हम लोगों का समझ लो फर्स्ट सेशन हमारा हो गया है, ठीक है, प्रोडक्शंस हो गए हैं, यूज केस हो गए, सारा कुछ हो गया। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अपना क्लास कौन कर दिया। बहुत ही छोटा टू, ठीक। और आज हम लोग देखेंगे इंस्टॉलेशन। तो ओपनशिफ्ट के जो इंस्टॉलेशन की हम लोग बात करें, तो पहला इंस्टॉलेशन इनका जो होता है आपका आईपीआई मेथड, ठीक है। और आईपीआई स्टैंड फॉर इंस्टॉलर प्रोविजनर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा मेथड आपका है यूपीआई, स्टैंड फॉर यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा मेथड इनका है सीआरसी, स्टैंड फॉर कोड रेडी कंटेनर। क्या है? कोड रेडी कंटेनर। अब मैं अगर थोड़ा सा बात करूं यूपीआई इंस्टॉलर मेथड की और आईपीआई मेथड की और सीआरसी, एक और आपको बता देता हूँ, फोर्थ नंबर मेथड है रेडी टू मूव, आपको मिल जाता है ओपन शिफ्ट प्लेग्राउंड। ठीक है, आईपीआई कहाँ यूज होगा, यूपीआई कहाँ यूज होगा, सीआरसी कहाँ यूज होगा, ओपन से प्लेग्राउंड कहाँ यूज होगा, ये सारी चीज पहले बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन का प्रैक्टिस। देखो आईपीआई इन्होंने अभी लाके दिया है ओपन से 4.x का जो सीरीज चल रहा है, तो इन्होंने आईपीआई मेथड लॉन्च किया है। आईपीआई मेथड क्या कहता है कि आपको इंस्टॉलर की एक फाइल दे दी जाती है, क्या इंस्टॉलर की एक फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस फाइल के अंदर कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें सिर्फ आपको अपनी वैल्यू डिफाइन करनी। जैसे आपने देखा होगा टेराफॉर्म, कभी आपने क्यूबरनेटिस पढ़ा होगा, हेल्म चार्ट, कितने लोग हेल्म चार्ट के बारे में जानते हैं आप, और कितने लोग नहीं जानते हैं बताओ। हाँ सर सिर्फ ये हेल्प पता है कि काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन के लिए यूज होता है लाइक ऑफ अनसिबल, लेकिन कभी यूज नहीं किया है इंडस्ट्री में। नीलेश, राजेश, रजनीश, हेल्प में योगेश, वो जैसे यम रेपो होती है ना, इस टाइप का।
हेल्प में लाइक डिप्लॉयमेंट ऑल द फाइल्स होती है, जब आप हेल्प में इंस्टॉल करते हो ना तो सब लाइक पॉड डिप्लॉयमेंट साथ में सब सबको इंस्टॉल। क्लियर है? ठीक जा रहा है, सबको क्लियर है राजेश? नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं है हेल्प उसको का। भी आइडिया नहीं है सर। ठीक है, थोड़ा मैं जब पूछूं तो फास्ट रिस्पॉन्स, राइट? ओके ओके ऐसा ना हो कि मैं बार बार नाम लूँ फिर आप बताओ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब तक आप बताओगे नहीं मुझे चीज़ें क्लियर है नहीं क्लियर है, तो मैं एक्सप्लेन करना मेरे को इजी हो जाएगा, अगर मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, टेराफॉर्म पता है सबको? ठीक यस है, तो आईपीआई मेथड क्या बोलता है कि ये अपनी एक फाइल प्रोवाइड कर देते हैं, उस फाइल के अंदर स्ट्रक्चर उनके बने हुए हैं, लाइक मास्टर नोड। आपको सिर्फ जाके वैल्यू बतानी कि मेरे मास्टर नोड मुझे 3 चाहिए, ऐसे ही वर्कर नोड क्या, वर्कर नोड वैल्यू जाके लिखा होगा, वर्कर नोड वैल्यू जाके बतानी मुझे 10 चाहिए, बैलेंसर नोड मेरा एपी कहाँ चलना चाहिए। तो एक फाइल होती है, बस उसके अंदर जाके आप अपनी वैल्यू डिफाइन करते हैं और उस फाइल को आप सिर्फ रन कर देते हैं, बस और कुछ भी नहीं करते। ओके सर, उस तो फाइल के क्या, आईपीए, सॉरी, तो ये आईपीए मेथड आपने बोला कि सिर्फ हमें वो एक फाइल देते हैं, वहां पे एडिट जाके करना रहता है, तो अभी मेरी ये बात कंप्लीट, ओके। कंप्लीट होने के बाद क्रॉस क्वेश्चन। तो आपको फाइल दे दिया गया, फाइल के अंदर आप क्लस्टर बनाने के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी डिमांड है, कितने मास्टर नोड चाहिए, कितने बैलेंसर नोड चाहिए, कितने बूटस्ट्रैप नोड चाहिए, कितने वर्क स्टेज आपको जम सर्वर नोड चाहिए, आप अपनी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, बस उस फाइल को आप रन कर देते हैं, वो अपने आप पूरा का पूरा क्लस्टर बनाकर तैयार कर देते। क्या पूरा का पूरा क्लस्टर बनाकर आपको तैयार करके दे देते। आईपीआई कहता है कि सिर्फ आप सिर्फ उतना ही काम करके रखना, एक मशीना बना के रख रख देना, और इन मशीनों की आपस में कनेक्टिविटी परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, फिजिकल कनेक्टिविटी, बस। और जिस भी मशीन में बैठकर वो स्क्रिप्ट चला रहे हो, वो मशीन भी इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर मेरी एक मशीन ये है जिसको मैं बूट स्ट्रैप नोड कह रहा हूं, तो यहां से बैठ के अगर मैं स्क्रिप्ट चला रहा हूं तो ये मशीन भी इससे कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं यहां से बैठ के स्क्रिप्ट रन करूंगा वो क्या करेगा, मैंने बताया है कि इसको मास्टर बनाना, इसको मास्टर, बाकी को वर्कर, तो वैसा ही तैयार करके मुझे पूरा का पूरा दे देगा, इंक्लूडिंग ओएस वगैरह डाल के भी दे देगा पूरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओपन शिफ्ट का अपना अलग ओएस है, फर्स्ट क्लास, समझ आई। बट ये जो मशीनें हैं ये फिजिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये मशीनें आपके किसी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म मतलब आपका कंपनी के अंदर वीएमवेयर पे हो, वीएमवेयर पैकेट में चलना चाहिए। इवन ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये मशीन भी खुद ही तैयार करेगा, मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर भी आप आईपी मेथड इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो ये समझ लें कि बैकएंड प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन होनी चाहिए। स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन है कितनी मशीनें तैयार करनी है, वो अपने आप मशीनें भी बनाएगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालेगा और कंपोनेंट्स भी कॉन्फिगर। तो आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑटोमेटिक बन रहा है, लेकिन अवेलेबल सिर्फ कहाँ है, जहां वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म आपके पास है, लाइक वीएमवेयर, ओपन स्टैक,
केवीएम, हाइपर वी, AWS, एजोर, गूगल क्लाउड। यहाँ आपका बैकएंड इंफ्रा तैयार है, वहां पर आपका आईपीआई मेथड सपोर्ट। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? अब बोलो क्रॉस क्वेश्चन क्या बोल। क्रॉस क्वेश्चन ये था कि सर आपने आईपी आईडी के लिए सब बोला कि वीएमए वगैरह राइट, लेकिन वीएमए के लिए आपने बोला हमें सेटअप करना होगा, तो वीएमए के लिए हम वर्चुअल बॉक्स करके उसमें वीएम क्रिएट करके आप फिर अभी अपने पॉइंट से बात मत करो, कंपनी के पॉइंट से बात करो। ओके अभी अपने पॉइंट ठीक को है बेस में मत रखो, कंपनी के ओके पॉइंट से रखो। ओके और आपने एक बोला था सर बूटस्ट्रैप सर्वर, इन केस मेरे पास बूटस्ट्रैप सर्वर के अलावा मैं मास्टर से वो आईपीए वाला स्क्रिप्ट चलाऊँ तो वो चलेगा? कहीं से भी आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओके इंडस्ट्री के अंदर बूटस्ट्रैप सर्वर अलग रखा जाता है, जहां से हम स्क्रिप्ट वगैरह रन करते हैं, जहां से हम टास्क परफॉर्म करते हैं, वो अलग ही नोड है। ओके आप उसका का वो अपने कोई लेवल की रीजन? अंडरस्टैंडिंग है कि मास्टर नोड में ही बैठ के चला लो, अपने लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि मास्टर नोड से ही लॉगिन करके काम कर लो, वो अपने लेवल की अंडरस्टैंडिंग है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए परफेक्ट है। बट कंपनी के अंदर कभी भी आपको मास्टर नोड पे जाकर कुछ एक्टिविटीज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा ये बूट स्ट्रैप नोड है, राइट, ये आपका बैस्टियन नोड है, यहां से बैठ के करो जो भी करना। ओके सर आइडियली लेकिन बेस्टेड बेस्टेड नोट से ही करते हैं ना आइडियली, तो बूटस्ट्रैप तो वो आइडियली जब हम जैसे नहीं, हाँ बैस्टियन नोड बूट स्ट्रैप नोड दोनों एक ही है सर, एक ही है ने राइट एक ही बेस्टेन है। और बूटस्ट्रैप। आप इनको अलग मत समझे। वो रेडहैट ने अपनी लैंग्वेज में बूट स्ट्रैप नोड बोल दिया। बूट स्ट्रैप मतलब जहां से हर चीज बूट कर रहे हो, टेक्निकल वर्ड को समझ। और बैस्टियन होस्ट लैंग्वेज कई सालों से इंडस्ट्री में चली आ रही है। बैस्टियन होस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, कि हम डायरेक्ट प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे मशीन में बैठ के कर रहे हैं, वहां से बैठ के परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग बैस्टियन होस्ट बोल देते हैं, लाइक जम काइंड सर्वर ऑफ बोल जम देते जम सर्वर हाँ हैं। रेडिट ने उसको उसको प्रोनंसिएशन अलग कर दिया, थोड़ा टेक्निकल और साउंड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। बूटस्ट्रैप सुनने में अच्छा लगे, समझ आई? नीलेश ओके तो उसका बूटस्ट्रैप का सर्वर का मेन पर्पस ये है कि वो डायरेक्टली हम प्रोडक्शन पे ना चलाए कि वो कोई डिजास्टर ना राइट, हो, तो हम यही वो अलग पर्पस एक सर हाँ ओके है, यही पर्पस है कि कुछ ओके भी एक्टिविटीज आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे ना करें, यहां पे बैठ के। और प्रोडक्शन पे आप बाहर से भी ना आए, और प्रोडक्शन पे टास्क वहीं से एक्सेप्ट करे बूटस्ट्रैप सर्वर, तो एक सिक्योरिटी को आप इनहेंस करके चलो कि मैं अगर एडमिन हूं तो मेरे पास भी राइट्स नहीं है कि मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन के सर्वर पांच नोड पे जाके परफॉर्म करूं। मैं कर भी रहा हूं तो मेरे लैपटॉप को राइट्स नहीं है, राइट सिर्फ बूटस्ट्रैप को दिया गया। बूटस्ट्रैप पे स्टैटिक आईपी है और मास्टर नोड पे क्या बोला गया है कि बूटस्ट्रैप से आने वाली रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट करता है। ओके और कंपनी के अंदर तो अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए, तो मान लो अगर ये दोनों मास्टर नोड भी हैं अगर आपके, तो बूटस्ट्रैप भी डायरेक्ट मास्टर नोड के पास नहीं जा रहा। यहां पर एक नोड रखा गया है जिसमें एचए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर की गई है, और ये दोनों नोड मास्टर नोड को इससे अटैच किया गया, और बूटस्ट्रैप यहां से जा रहा है। ये एज अ बैलेंसर का काम कर। तो समझना यहाँ पर यह है कि आईपीआई मेथड, अगर आप कंपनी में जाते हो और आपको कहा जाता है कि आईपीआई मेथड के थ्रू हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, क्लस्टर सेटअप करना है, तो समझ जाना कि आपको ऐसे एनवायरनमेंट में सेटअप करने के लिए कहा जा रहा है जहां पे उनका वर्चुअलाइजेशन इंफ्रा रेडी खड़ा हुआ है। आपको जो मेजर चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखनी है कंपनी के पॉइंट से कि ठीक है, मेरे को आपने आईपीआई मेथड के थ्रू बोला है क्लस्टर लगा के देने के, ठीक है, आपने प्लान किया है दो मास्टर नोड का, तीन वर्कर नोड का, आपने प्लान किया है एक बैलेंसर नोड का, आपने प्लान किया है दो
दो इंग्रेस कंट्रोलर नोड का, आपने प्लान किया है दो मॉनिटरिंग नोड का, ऐसे नोड बढ़ते हैं ना, सिर्फ करेक्ट, मास्टर नोड और वर्कर नोड से काम नहीं होता। मास्टर नोड के अंदर तो अपने वो कंपोनेंट्स चलेंगे जो पूरे क्लस्टर को ऑपरेट करते हैं, लाइक एपीआई, डेटाबेस, शेड्यूलर, ये सब, राइट। वर्कर नोड का पर्पस क्या है कि जितने भी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हैं उनके पॉड्स वहां रखेंगे, बट कंपनी इंग्रेस कंट्रोलर क्यों यूज करती है? बाहर से ट्रैफिक को रिसीव करने के लिए, तो उनको भी पॉड के अंदर चला रही है, तो उनके नोड दो अलग रख देते हैं। मॉनिटरिंग करने वाले पॉड मॉनिटरिंग नोड में अलग रख देते हैं, तो ऐसे आपके क्लस्टर बढ़ते जाते हैं। और ये सर आईपीए वाला जो मेथड है इसके लिए जो फाइल देता है वो रेड आने दो, रुक हैट। जाओ, आने दो ओके मेरे को। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मुझे एक चीज बताओ कि मुझे आईपीआई मेथड से इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है, तो आप अकेले तो नहीं करोगे, आपको वर्चुअलाइजेशन टीम से कंसर्न करना पड़ेगा, या आपके एनवायरनमेंट में अगर वीएमवेयर है तो वीएमवेयर की टीम से आपको कंसर्न करना पड़ेगा, ओपन स्टैक है तो ओपन स्टैक टीम से कंसर्न करना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस पे करने जा रहे हो तो एडब्ल्यूएस की टीम से आपको कंसर्न करना पड़ेगा। क्या कंसर्न करोगे, ये टेक्निकल पॉइंट समझो। सबसे पहले तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं मास्टर नोड बनाऊंगा तो मास्टर नोड को मिनिमम रैम कितना चाहिए, सीपीयू कितना चाहिए, हार्ड ड्राइव कितना चाहिए। मिनिमम सीपीयू एटलीस्ट 4 कोर, 4 सीपीयू देना होता है और 16 GB रैम देना होता है एक मास्टर नोड, राइट। ज्यादा दे दो अलग बात है। तो आपको वर्चुअलाइजेशन टीम से पहले ये कंसर्न करना पड़ेगा कि मेरे को ना दो मास्टर नोड बनाने हैं, तीन वर्कर बनाने हैं, दो मॉनिटरिंग नोड चाहिए, दो इंग्रेस कंट्रोलर नोड चाहिए, दो बैलेंसर नोड चाहिए। टोटल रैम कैलकुलेट करा मैंने, बोला 256 GB रैम की मुझे रिक्वायरमेंट है। क्या आप के वर्चुअलाइजेशन में उतना स्पेस है? क्योंकि उनका भी तो बैकएंड में हार्डवेयर ही होगा, मान लो उनके पास स्पेस नहीं होगा तो आपने स्क्रिप्ट रन कर दिया तो वो तो स्टक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? करेक्ट, तो वर्चुअलाइजेशन टीम से कंसर्न क्या करना है कि मेरे पहले तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा सा यहां चलें, क्या कह रही है, कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट कितना, 16 GB रैम, ये मास्टर नोड का बता, ये वर्कर नोड है, ये तो बूट स्ट्रैप नोड है। बूट स्ट्रैप नोड कंपनी में तो देखो चाहिए ही चाहिए, घर पे प्रैक्टिस के लिए एक ऑप्शनल हो सकता हम्म, है। तो अगर आपका प्लानिंग है मान लो दो मास्टर नोड की, तो एक मास्टर नोड के लिए 16 GB रैम और 4 CPU, तो आपको कैलकुलेट करना कि 32 GB रैम और 8 CPU, तीन वर्कर नोड बना रहे हो, एक वर्कर नोड पे 8 GB रैम और 2 CPU, तो 24 GB रैम इधर और 6 CPU इधर, कितना हुआ? बत्तीस उधर हुआ था, 24 इधर, FT6 GB रैम, सीपीयू कितना हुआ था, चार चार आठ फोर उधर को आठ। और 6 14 CPU। अब ऐसे ही दो बैलेंसर नोड आप बना, उसको भी 16 16 GB रैम ले लो, 32 और ऐड कर दो, सर ये दो इंग्रेस कंट्रोलर। आईपीआई के लिए बता रहे हो आप, अभी राइट? आईपीआई यूपीआई पे मत जाओ अभी आप, अच्छा, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। राइट। अभी आप आईपीआई और यूपीआई को मत पकड़ो, अभी ये पकड़ो कि आप कंपनी में हो, ठीक है, और आपको क्लस्टर लगाना है ओपन सिप का। क्लस्टर लगाने के लिए आपने प्लानिंग करके रखी, इतने नोड हम ये लगाएंगे, इतने ये लगाएंगे, इतने ये लगाएंगे, इतने लगाएंगे, कि इनके लिए टोटल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कितनी है।
तो ऐसे टोटल अगर मैं कैलकुलेट करा तो 256 GB रैम और मान लो 60 CPU की मुझे जरूरत है, 256 GB रैम और 60 CPU की मुझे जरूरत है टोटल मिला के। तो अगर मैं आईपी इंस्टॉलेशन कर रहा हूं तो मुझे वीएमवेयर की टीम से बोलना पड़ेगा मेरे को इतनी चाहिए भाई, देख लेना बैकएंड में, मैं जब स्क्रिप्ट चलाऊंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हार्डवेयर इनसफिशिएंट की वजह से मेरा काम रुक रहा हो। प्रॉपर अप्रूवल वगैरह आप ले लो जिससे लेना है, कंफर्म कर लो वर्चुअलाइजेशन टीम से। एडब्ल्यूएस पे कर रहे हो तो एडब्ल्यूएस की टीम को बता दो कि मुझे इतनी चाहिए ये चाहिए, वो अपना बिलिंग हैंडल कर लेंगे। यही चीज अगर आप यूपीआई में करने जाते हो तो यूपीआई में क्या बोलता है, यूपीआई में कहता है कि आप यूपीआई में फिर सब कुछ कर रहे हो। सब कुछ करने का मतलब क्या हुआ, सब कुछ करने का मतलब ये हुआ कि ये जो मशीनें थी यहाँ पे, जो मैंने मशीनें रखी, क्योंकि आईपीआई में क्या होगा, आईपीआई में तो आप स्क्रिप्ट चला दोगे, मशीन भी खुद से प्रोविजन होगा, मशीन के अंदर ओएस भी खुद से प्रोविजन होगा, ओएस के अंदर आपका ओपन सिप के कंपोनेंट्स भी खुद से प्रोविजन होंगे, मशीन भी आपको यहाँ पे प्रोविजन नहीं करनी, ये वीएमवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर सब बन जाएंगे अपने आप। लेकिन यूपीआई में क्या होता है, मशीन भी खुद तैयार कर, खुद तैयार करने का मतलब मार्केट से मशीन खुद खरीद के आती है, उन मशीनों के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डाल रहा है, उन मशीनों के ऊपर आईपी एड्रेस खुद डाल रहा है, उन मशीनों को नेटवर्किंग राउटर स्विचिंग के साथ खुद कनेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपको ओएस डालना, फिर आपको ओपन सिप खुद कॉन्फिगर करना A to Z, ये हो गया आपका यूपीआई मेथड। लेकिन हार्डवेयर तो यहां पर भी आपको चाहिए अगर आपकी जो प्लानिंग थी। तो पहले जब ओपन सिप आपका 3.x वाला सीरीज चलता था तो आईपीआई मेथड नहीं था, तो जब आईपीआई मेथड नहीं था तो वहां पर भी अगर आप बेयर मेटल पे कर रहे हो तो वहां पे पहले सिर्फ आपका यूपीआई मेथड था, मतलब मार्केट से आपको मशीनें खरीदनी है और खुद से सब कुछ करना है, मशीन का कनेक्टिविटी से लेकर ओएस से लेकर ओपन सिप कॉन्फ़िगरेशन से लेकर कंपोनेंट्स तैयार करना, सब कुछ खुद करना पड़ता था। अगर आप यूपीआई को वर्चुअलाइजेशन में जाके कर रहे हो, चाहे वो वीएमवेयर ओपन स्टैक एडब्ल्यूएस में, तो वहां पर मशीनें भी खुद बनानी पड़ती थी। वीएमवेयर में आपको बोलना बोलना पड़ता था वीएमवेयर टीम से कि मुझे 16 16 GB के 4 मशीन दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, वो आपको बनाकर दे देते थे और आप बोलते थे लो अब आप करो। लेकिन आईपीआई में क्या है, आपको बोलना नहीं है कि उनको मुझे मशीन बना के दो, नहीं, आपको बस ये बोलना है कि आपके पास इतना हार्डवेयर है, आप अपने स्क्रिप्ट में डिफाइन कर दियो कि मास्टर नोड की कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्क्रिप्ट चला दो वो खुद बना देगा, फर्क देखो इतना है। AWS में कर रहे हो आप जाके यूपीआई मेथड, तो AWS में भी वीएम आपको काटनी पड़ेगी या AWS की टीम को बतानी पड़ेगी 16 16 GB के इतने मशीन बना के दो, वीपीसी बनानी पड़ेगी, पहले मशीनें बनानी पड़ेंगी, नेटवर्क बनानी पड़ेंगे, राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी AWS। लेकिन जब से आईपीआई आया है बोलना नहीं है AWS की टीम को कि मशीन काट के दो, स्क्रिप्ट चला दो बस, खुद ही उतनी उतनी जीबी की मशीनें बना देगा। समझ आई आईपी और यूपीआई में टेक्निकल फर्क क्या है? यस सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर मतलब अब क्वेश्चन कर सकता हूँ ना। हाँ आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास जो हार्डवेयर है, अगर मैं वीएमवेयर पे इंस्टॉल करना चाहूँ यूपीआई के थ्रू, तो क्या मिनिमम हार्डवेयर होना चाहिए? मेरे पास 64 GB रैम है और सीपीयू अराउंड 24 है और हार्ड डिस्क 1 TB का है, तो ये सफिशियंट हार्डवेयर है ये मेरे लिए? सफिशियंट हार्डवेयर है अभी हमने देखा, हाँ राइट, अभी हमने देखा यहाँ पर, तो कह रहा है कि मास्टर नोड को इतना दे देना, वर्कर नोड को इतना दे देना, ठीक है। ठीक है। अब अगर हम मान एक लीजिए बूट तीन मान स्ट्रैप आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो मास्टर नोड को ही बूट स्ट्रैप जैसा यूज कर सकते ठीक है, तो इस हो। केस में अगर हम 3 मास्टर और 2 वर्कर करें तो कैसे होगा सर? किस केस में, नहीं, 3 मास्टर हो? 2 वर्कर नहीं, इसमें सर हमें एक ही मास्टर रखे या दो तीन वर्कर नोट रख सकते हैं, राइट? या दो राइट, मास्टर और एक या एक दो नहीं वर्कर बता नोट। देता हूँ, ऐसा वर्क देखो, मास्टर को ही हम लोग एज अ वर्कर भी ट्रीट कर बना लेते हैं, सकते हैं? हाँ बना बना सकते हैं। सकते तो हैं। आप 3 नोड बनाओ, हाँ उन तीनों को एज अ मास्टर भी रखो, उन तीनों को एज अ वर्कर भी रखो, फील करो, ओके ओके तो आपको पूरी लैब हो जाएगी। ठीक है ठीक है। ठीक है।
और एक सर था, आपने बोला ना आईपीए में, वो फाइल कहाँ से मिलेगी डाउनलोड के लिए जब वो सब हम, सब ओपन शिफ्ट के अंदर सब उन्होंने दे रखा है, अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, नहीं मिलेगा? ओके यहीं पे मिलेगा, सब मिलेगा, वेट ओके करो। ओके सब कुछ इन्होंने दिया। ओके और सर यूपीआई के लिए आपने बोला कि वो सब मैन्युअली हो जाता है प्रोसेस, राइट? और आईपीडी में सब ऑटोमेशन टाइप काइंड ऑफ है वो स्क्रिप्ट, राइट? रिपीट करना तो क्या यू बोला आप? आपने बोला आईपीआई में सब काइंड ऑफ स्क्रिप्ट है, और वो ऑटोमेशन थ्रू पूरा प्रोसेस इंस्टॉलेशन करके दे देता है पूरा इफ पूरा हार्डवेयर पूरा मैच, राइट? और यूपीआई में हमें सिर्फ मैनुअल स्टेप्स करनी पड़ती है, तो सब उस कुछ काइंड मैनुअल में, कर। हाँ तो उस काइंड ऑफ अपने ओएस जो डालना है वो कोएरेस डाल, हम कोएरेस डाल सकते हैं, या कौन सा अलग जो फुल अपना जो आता है बंडल कोर ओएस ही डालोगे, कोर कोर ओएस ही? हाँ सर, एक ओएस ही क्वेश्चन और, डालोगे, एक क्योंकि क्वेश्चन मैंने और, जो 3-4 में डाला था ना कंपनी में, प्रीवियस कंपनी ने, तो हमने फुल ओएस डाला था, वो काइंड ऑफ उस टाइम पे कोर ओएस नहीं आया होगा, देखो उस एक्चुअली आई टाइम ने रिकॉल नहीं आपके करवा पा पास रहा हूँ। सारा ऑप्शन, आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप सेंटोस 8 डाल लो, आरिचल 8 डाल लो, फिर ओपन शिफ्ट के पैकेज एड ऑन करके डाल दो, ऐसा करेक्ट भी है, ठीक है, जो 3 तक चला गॉट करता था। इट। अब रेडिट वालों ने क्या किया है कि अपने ओएस को कस्टमाइज कर दिया, मतलब कोर ओएस को ही कस्टमाइज करके कोर ओएस के वो सारे फीचर्स हटा दिए जो ओपन शिफ्ट को नहीं चाहिए, और ओपन शिफ्ट के पैकेजेस में डाल दिए, और उसको पैकेज में बना के बोला कि ये ले लो आपका ओपन शिफ्ट का एक कोर ओएस, लाइट वेट कर ओके दिया, कह रहा इसी इसी को गॉट डाल इट। लो डायरेक्ट। पहले आप क्या करते थे, आरिचल डालते थे, फिर ओपन शिफ्ट के पैकेजेस डालते थे, तो आपको माथापच्ची करनी पड़ती थी ना। अब उन्होंने बोला कि आप टेंशनबाजी लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका मेन ओएस होता है राइट, रेडिट का, आरिचल या सेंटोस, उसी के अंदर हमने कस्टमाइज करके ओपन शिफ्ट के पैकेजेस अंदर डाल दिए, और उसको एक इमेज बना के बोला कि ओपन शिफ्ट का कोर इमेज है, इसको डाल लो डायरेक्ट, जो आपको आज करेक्ट। के टाइम पे इजी पड़ रहा है। तो फोर में क्या होता है, अगर आपको फोर में चाहिए तो आप कोर ओएस यूज करो जो ओपन शिफ्ट का है। करेक्ट। और एक ओके क्वेश्चन था सर मुझे, आपने बोला यूपीआई में जब मैं इंस्टॉलेशन करूंगा, राइट, तो उस टाइम पे मेरे पास तो एक 4-5 सर्वर है, राइट? तो मेरे यूपीए से मुझे डिफाइन करना है कि मान लो मैंने 1, 2, 3, 4 ऐसे सर्वर नाम दिए, मेरे पास 6 सर्वर है, मुझे 3 मास्टर रखने और बाकी के 3 वर्कर नोड रखने, तो पहले 3 वाले मुझे एज अ मास्टर डिफाइन करने हैं, तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा फिर? पहले वाले को एज अ 3, हाँ, और जो नेक्स्ट जो है 4, 5, 6 उसको वर्कर नोड करना है, तो मैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसमें कि मुझे वो 1, 2, 3 मेरा मास्टर है, वो कैसे डिफाइन करूंगा, या कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है कि उसमें वो उसके आईपी बिल्कुल डालूंगा या कुछ करूंगा, बिल्कुल। क्या क्या रहेगा? देखो अगर आप 3 मशीन को मास्टर बना रहे हो, ठीक है, तो आपको बैलेंसर चाहिए। ओके क्या चाहिए? बैलेंसर चाहिए। ओके अब मान लो आपने बैलेंसर रखा, ठीक है, ये बैलेंसर आपने रखा, ओके ये आपका बैलेंसर है, इसके अंदर एचए प्रॉक्सी चल रहा है, ठीक है, राइट तो आप बूट स्ट्रैप नोड में जब बैठ के अपनी काम करने जाओगे ना, तो बूट स्ट्रैप नोड में फिर आप जो मास्टर नोड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए आप टारगेट किसी एक मशीन को नहीं दोगे, तीनों मशीन को देना पड़ेगा। नहीं, आप टारगेट बैलेंसर को दो, और बैलेंसर के अंदर जाके आपने तीनों नोड ऐड कर, बात खत्म। वो सर इसकी इग्निशन फाइल बनती है ना, मास्टर हाँ वर्कर फाइल की इग्निशन बनती है, फाइल बनती है। हाँ, और मेरे ख्याल में मैनिफेस्ट भी बनता है इनका, मैनिफेस्ट, करेक्ट? लेकिन वो मैनिफेस्ट उसके बाद बनता है ना राजेश, इंस्टॉलेशन होने के बाद, राइट? ये थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा मुझे भी, देखो पहले अभी कैसे अभी बनेगा? ट्रैक से मत देखो, हाँ स्टेप चलने दो, ठीक है, हाँ ठीक है। बहुत फिर आगे इंस्टॉलेशन होने लेवल पे के बात कर बाद रहे हैं। हमें मास्टर नोड पता चलेगा, फिर उसके बाद हम उस वर्कर नोड का की ऐड करके उसको हम, ओके ओके हाँ ओके ठीक है, लेकिन ठीक मैं है, कह ओके रहा हूँ डिस्कस प्रैक्टिकल कर, में आने दो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल ओके गॉट इट सर। में आने दो। एक क्वेश्चन है मेरा बस ये, हाँ कि बोलो, हम जो है यूपीआई इंस्टॉलेशन के टाइम में हम कौन सा ओएस, कोर ओएस रेड हैट वाला डालेंगे या सेंट ओएस डालेंगे? ये थोड़ा है, क्योंकि रेड हैट डालेंगे तो सब्सक्रिप्शन वाला थोड़ा इशू एक मिनट आ रहेगा। रहा हूँ, 2 मिनट मेरे को देना, आ रहा 2 मिनट। हाँ ठीक। सर मेरा लैपटॉप का बैटरी ख़त्म हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है, तो मैं मोबाइल से ट्राई करता हूँ कनेक्ट होने का, सो प्लीज़ अलाउ मी।
बताओ क्या क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो बताओ। सर वो था, एक तो ये इनका धीरज का लैपटॉप का बैटरी ड्रेन हो रहा है, तो आप उनको अलाउ करिए वो मोबाइल से ज्वाइन करेंगे, एक तो इनका अलाउ ये था। तो है, नहीं वो मोबाइल से ज्वाइन करेंगे वो कह रहे हैं, उनका मैं मोबाइल बैटरी। से कर लो करता हूँ, मोबाइल मेरा से, अभी कोई फाइव दिक्कत नहीं, टू टेन। आप कर हाँ लो मोबाइल से, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हाँ लिंक सर, मैंने दे रखा है, कहीं से भी कर लो। हाँ 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 सर लिंक मेरा है मेरे पास। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये बताओ था, हम ओएस कौन सा यूज करेंगे, रेड हैट का या सोएंट ओएस का, यूपीआई के देखो, टाइम पे लैब प्रिपरेशन पे। ओपन शिफ्ट का इन्होंने जो अपना ओएस बनाया है, ठीक है, ये कहते हैं कि 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए कोई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, फ्री में। 60 दिन के बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने किया तो 60 दिन तक तो आप ऐसे काम कर सकते, 60 दिन के बाद एक्सपायर होता है तो सब्सक्रिप्शन मत लो, दोबारा इंस्टॉलेशन कर लो, करेक्ट, ठीक है सर, ठीक है। कंपनी परफेक्ट में सर। क्या होगा, कंपनी में ऐसा थोड़ी होगा, तो फर्स्ट डे हाँ से वो तो, सब्सक्रिप्शन लेने, वो बस तो हाँ वो तो ये इसका मतलब आंसर। हाँ कंपनी में तो कोई मसला ही नहीं है सर, इस प्रॉब्लम तो यही होता कंपनी है। में कोई मसला ही नहीं। आप ओके तो और ऐसा कर सकते हैं सर हम। दूसरी चीज ये भी है कि आप अपना चाहें तो आरईजेल डालें, फिर डालें, तो फिर क्या होगा, आरईजेल का अलग सब्सक्रिप्शन, इसका अलग सब्सक्रिप्शन, फंस जाओगे फिर, हाँ वो दो सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे ना फिर। जी सर। तो ओके तो बेस्ट मेरा क्या, क्वेश्चन है कि इन्होंने अपना सोल्यूशन पूरा 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 बना कर दिया है कि भाई 4 यूज कर रहे तो आपको वो बेस वाला ओएस की जरूरत ही नहीं है, तो वो ओसीपी का ले लो अपना 4 ओएस जो है, राइट। हाँ 60 दिन के बाद एक्सपायर होगा, ठीक है भाई, 60 दिन के बाद सब्सक्रिप्शन नहीं लेके दोबारा इंस्टॉलेशन कर लेंगे, ये आंसर। हाँ बोलो, करेक्ट। और तो सब सेंट ओएस डाला तो नहीं होगा क्या सर, सेंट ओएस का मेरे पास पैकेज है 7.9 का। नहीं, आप सेंटोएस डाल लोगे तो होगा क्यों नहीं, वो तो जाएगा, बट क्यों डालना चाहते हो जब इन्होंने अपना हाँ दिया एक है तो। कोर दिया है ना इसमें सेंट क्यों ओएस डालना का, चाहते हाँ कोर ओएस ही है करेक्ट, इसमें। रिबूट में इशू आ जाएगा फिर, नोड में टाइम ये लेगा। बहुत इश्यूज आएंगे यार उसमें। हाँ गॉट इट। इश्यूज भी आएंगे, चलेगा भी आपका, कोई दिक्कत नहीं, बट इन्होंने जब सोल्यूशन दिया है तो जरूरत नहीं दिया है। है हाँ। और फिर कंपनी में भी नहीं, मतलब रिकमेंडेड नहीं है ये कि 7 डालो, कोर ही डलवाएंगे वो। गॉट इट। ठीक है सर, इनका प्रैक्टिकल हम देखेंगे ना सर, यूपीआई हाँ जी हाँ आईपीआई जी, वगैरह। ठीक है, ओके और एक बेसिक क्वेश्चन था, सॉरी सर, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इस हाँ हाँ लोकेशन रिकॉर्डिंग। पे रिव्यू करने के? ओके और किसी का डाउट है, नीलेश आप लोग, रजनीश, योगेश आप लोग का कोई डाउट है? नहीं, ऑल गुड सर। अभी डाउट नहीं है सर, तो नहीं आ रहा है अभी कुछ नहीं है सर, एक रिक्वेस्ट थी, अपना एक्चुअली वीकेंड्स पे 1 और 2 आवर्स क्लास होता है, डिस्कशन एट द क्लास के एंड में रखेंगे तो थोड़ा प्रोडक्टिव होगा हाँ, सर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, डिस्कशन जो डोंट है ना माइंड। क्लास के एंड में रखते हैं। या बिकॉज ऑलमोस्ट वी स्पेंड 1 आवर एंड वी जस्ट स्टार्टेड, राइट, सो डिस्कशन थोड़ा एंड ऑफ द कॉल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नील क्या हो जाता है, डिस्कशन एंड ऑफ द क्लास रख दिया ना, बीच में क्वेश्चन भी हम भूल जाते हैं कि क्या पूछना था नहीं नहीं हमें जो तो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट, यस वी कैन रेज दैट, बट जो सिली क्वेश्चन होते हैं वी कैन आस्क आफ्टर आफ्टर द क्लास, या बिकॉज ओके वी या कैन आई टोटली बिटवीन एग्री में विथ यू। दो क्लास होती है उसमें भी इफ वी आर डिस्कसिंग देन इट्स गोना बी लाइक टू गॉट लेट इट गॉट फॉर। इट या आई टोटली एग्री विथ यू, थैंक्स ब्रदर। बट टेक्निकली काइंड ओके ऑफ यहाँ पे ओके ही क्लियर हो गया तो भी बेटर वे रहेगा, क्योंकि अभी मान लो ये सब क्वेश्चन थे हमें, क्योंकि हमने ट्राई किया था मैनुअल पे इंस्टॉलेशन के लिए, 1 साल हो गए हाँ ट्रायल किया रहे। यू आर राइट, आई एग्री विथ यू। राइट या नील ये क्वेश्चन ना इंस्टॉलेशन का ही है भाई, ज्यादा डिप्लॉयमेंट पे इतना नहीं होगा, क्योंकि ये इसका इंस्टॉलेशन बहुत टफ है ओपन शिफ्ट का, हाँ मुझे जहाँ तक लगता मैंने 1 साल ट्राई किया है, मुझे नहीं हुआ है है। मैंने, लेकिन वो मैंने मुझे पता मैंने चला रिसोर्स का इशू है मेरा। एक वीक टू बी ऑनेस्ट मैं संजय सर से लाइक 1 साल से कनेक्टेड हूँ, राइट, सो आई एम प्रिटी श्योर यू एंड ऑफ द क्लास एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, क्योंकि करेक्ट हमें करेक्ट ऐसा लगता है, करेक्ट हमें क्या करेक्ट लगता है, करेक्ट हमें क्या लगता है पता है, ये चीजें है, बट एट लाइक 1 घंटे के अंदर सर सब चीजें बता देंगे जो हमारे अंदर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, राइट। तो मेरा भी करेक्ट। ऐसा पहले था, मैं क्वेश्चन पूछता था पर फिर मैंने होल्ड करना स्टार्ट किया और वही क्वेश्चन सर ने सब कुछ क्लियर कर दिया क्लास के साथ में, सो 90% कवर हो जाता है, बट वी हैव टू वेट अंटिल द क्लास फिनिश, राइट। नाइस या नाइस नाइस नाइस, नाइस, थैंक यू ओके फॉर। थैंक ओके यू नील, ओके वेलकम सर। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक चीज और आपको जो नोट डाउन करना है माइंड में, वो ये करना है
आईपीआई मेथड सिर्फ सपोर्ट करेगा वहां जहां पे आपका वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। आईपीआई मेथड कभी सपोर्ट नहीं करेगा बेयर मेटल, ठीक है? क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन ये है कि बेयर मेटल का मतलब होता है कि आपने फिजिकली हार्डवेयर रखा है अपनी कंपनी के अंदर, दुकान से मार्केट से बाय करके। तो आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में अभी तक नहीं आई है जो फिजिकल हार्डवेयर को उठाकर रखे और उसपे केबल लगा दे और उसपे ओएस डाल दे, राइट? तो आईपीआई मेथड आपका बेयर मेटल में कभी सपोर्टेड नहीं है। कभी कोई अगर बात करता है कंपनी में आईपीआई, हमें बेयर मेटल सेटअप लगाना है, ऑन प्रमाइसेस लगाना है और आईपीआई से करना है, आप टोटली डिनाई कर देना आईपीआई नहीं है। अगर आईपीआई से करना है तो पहले वर्चुअलाइजेशन इंफ्रा बना, मतलब डायरेक्ट बेयर मेटल पे मत कर। क्या सजेशन देना कि पहले आप जो हार्डवेयर खरीद रहे हो उसका पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उस पे वर्चुअलाइजेशन डालो, देन उसके बाद आईपीआई इंप्लीमेंट करो, चल जाएगा, ठीक है? बट यूपीआई की अगर आप बात करो तो यूपीआई तो फिर वही हो जाता है कि आपने मशीन भी खरीदा और उसका फिजिकल वायर केबल सब कुछ तैयार किया, देन इंस्टॉलेशन करो। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो दोनों बात सेम ही है कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीआरसी। सीआरसी क्या है? कोड रेडी कंटेनर। अब सीआरसी में रेडहैट क्या बोलता है, कहता है कि अगर लर्निंग पॉइंट से, अगर आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इतना हार्डवेयर नहीं है कि आप मास्टर नोड दो दो बनाए, तीन मास्टर नोड बनाए, उसमें 16 16 GB रैम दें, 4 4 कोर CPU दें, दो वर्कर नोड बनाए, बैलेंसर नोड बनाए, तो आप एक काम करो, एक ही नोड आप ले लो और इसी नोड में आप सब कुछ कॉन्फिगर करो। ठीक है, सीआरसी इंस्टॉलेशन इसी नोड में आप सब कुछ कॉन्फिगर करो, और जब आप इसी नोड में सब कुछ कॉन्फिगर करते हो तब भी आपको मिनिमम 12 GB रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 80 GB हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 4 CPU की रिक्वायरमेंट आपको। क्या कर लो? सीआरसी इंस्टॉल। तो अगर आपको घर पे लैब करना है, प्रैक्टिस करना है, सीआरसी के थ्रू प्रैक्टिस करना है, तब भी आपको चाहिए क्या? एटलीस्ट 12 GB रैम आपको चाहिए वीएम पे, मतलब आपके लैपटॉप में कम से कम 16 GB रैम होना चाहिए तो ही आप इसकी लैब परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपके पास अच्छा खासा रैम है 64 GB, तो फिर आप यूपीआई इंस्टॉलेशन कर सकते हो, आईपी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। आईपी इंस्टॉलेशन आप अपने घर पे कैसे कर सकते हो? आईपी इंस्टॉलेशन आप अपने घर पे ऐसे कर सकते हो कि आपका जो लैपटॉप है, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इस पे आप अपना वीएमवेयर इंस्टॉल कर लो और वीएमवेयर के ऊपर एक आप मशीन तैयार करो, उसके ऊपर क्या इंस्टॉल कर लो सर, EXI वीएमवेयर का, और उसके अंदर फिर आप वीएम बनाओ। तो उसके अंदर आप चाहो तो अपना लैब यूपीआई भी कर सकते हो, आईपीआई भी कर सकते हो। समझ आई इस लाइन में? कोई डाउट है? सर ये एक बार फिर बताना कि हमें VMware पे ESXi इंस्टॉल करना है, राइट? और उसके बाद हमें इस पे CoreOS का मतलब जो भी तीन या चार वो मशीन बनानी है, यही आप कह रहे हैं ना? मतलब आप अपनी एक वीएम, इस तरीके से आपने एक वीएम बनाई लाइक ये, हाँ ठीक है। आपने वीएमवेयर की साइट पे जाके अपना ESXi इमेज डाउनलोड कर लो, ठीक है? ठीक है ठीक है। इस वीएम के ऊपर आपने क्या किया, ESXi डाल दिया अंदर वो डाल है ना, दिया। हाँ ठीक है आपने ठीक इस पे दे दिया अपना 40 GB रैम, पचास है जीबी ठीक है। और जब ESXi आपका इंस्टॉल हो गया तो हाँ उसके अंदर फिर आप वीएम बना। ओके 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 ठीक है।
गॉट इट। तो अगर आपने ESXi VM पे डाल दिया तो आप ये समझो कि आपका वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म तो रेडी हो गया। फिर आप वहां उसके अंदर आईपीआई भी कॉन्फ़िग इंस्टॉलेशन कर सकते हो और फिर यूपीआई भी कर सकते हो मैनुअल बना बना के सब कुछ। ठीक है। यूपीआई तो आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो डायरेक्ट वीएम पे बना के, इसी के अंदर 4 वीएम बना लो, 3 मास्टर नोड, 3 मास्टर नोड, 2 वर्कर नोड। अगर यूपीआई करना है तो ESXi की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं पे आप ये 4-5 वीएम बना लो। लेकिन आईपीआई करना चाहते हो हाँ तो मेथड यूज करो, या मतलब फिर ये आईपीआई के लिए क्या है, AWS, क्या है AWS IPI के लिए, AWS, मतलब ठीक है। UPI के केस में ESXi इंस्टॉल करना मैंडेटरी नहीं है। नहीं मैंडेटरी। ओके सर, ओके। यहां तक क्लियर हो गया सीआरसी। जी सर। नेक्स्ट क्या है, ओपन सिप प्लेग्राउंड। ओपन सिप प्लेग्राउंड में क्या होता है कि रेडिट वाले कहते हैं कि अगर किसी को प्रैक्टिस करना है, किसी को अगर प्रैक्टिस करना है और उसको अगर ये सारे इंस्टॉलेशंस नहीं आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको, इन्होंने खुद अपना जैसे काटा कोटा सुना है, काटा कोटा, ये सर, काटा काटा कोटा सुना है, वो मूंछात वाला सुना है, चीज। वो हाँ मैंने नहीं सुना सर। काटा कोटा सुना ना, वैसे ही मिल जाता है पता है, यस, 30 मिनट 35 मिनट्स के लिए 1 घंटे का मिलता है सर ओपन शिफ्ट प्लेग्राउंड। कम हो गया है। अच्छा हाँ, अभी एक शायद कम हो गया, आप उस दिन बता हाँ रहे थे। तो वहां पे आप अपनी सारी लैब कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सिंगल नोड ही मिलता है ना सर, क्या हाँ वो CRC देते हैं, वो सिंगल सिंगल मतलब सिंगल। सिंगल हाँ नोड हाँ भी देते हैं, डुअल नोड के भी मिलते हैं, डुअल नोड के भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। सर कैसे मिलेगा सर, कहाँ सर्च करना पड़ेगा इसके लिए। बता रहा हूँ वो लिंक, रुक जाओ मैं दे रहा हूँ, मैंने आप फेवरेट में। डायरेक्ट उस पे गूगल पे मारिए ओपन शिफ्ट प्लेग्राउंड, वो दे देगा एक दो लिंक में। ठीक है ये देखो, आ गया यहाँ पे, आप OC गेट नोट कर, यस ये आ सर, गया ठीक। OC गेट, सारा अपना लैब आप यहाँ पे कर सकते, ठीक है। एक और होता है, आप अगर रेडिट की साइट पे जाके, आप अगर रेडिट की साइट पे जाकर एग्जाम शेड्यूल करते हैं ओपन शिफ्ट का, हाँ तो वो लोग फिर आपको ना अपना रेडी क्लस्टर बना के देते हैं एग्जाम की प्रैक्टिस कर, प्रॉपर वर्कर नोड, मास्टर नोड, बैलेंसर नोड, सब कुछ। वो कितने दिन के लिए होता है सर वो लैब? अच्छा वो भी आपका 60 डेज, ओके समझ आ गई मेरी बात। यहाँ पर जी सर। अभी किसी को क्वेश्चन तो नहीं है ना, यहाँ पे आगे चलते हैं। देखो आपको ओपन शिफ्ट
सीखने के लिए आपको रेडिट पे ना जाके एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, ये लिंक है console.reddit.com, चैट में भेज रहा हूँ, क्योंकि सारी इमेजेस वगैरह आपको यहीं से मिलने वाली है, ठीक है? यहाँ जाना होगा आपको, आप अपना अकाउंट साइन अप करना। अकाउंट साइन अप में कुछ भी नहीं है सर, आपके पास गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हो। अब वाला टाइम खत्म हो गया कि पूरी इंफॉर्मेशन, अब देखो ये पूरा आपको गाइड करते हैं कि आपको क्लस्टर बनाना है, क्रिएट क्लस्टर में क्लिक करो, हर एक स्टेप देंगे। आपको क्लस्टर क्लाउड में बनाना है तो ये ओपनशिप की कोर इमेज है अपनी पूरी की पूरी, कैरे AWS GCP के लिए, AWS के लिए। यहां से देखो ये इमेज अपनी डाउनलोड कर लो जो भी चाहिए यहाँ से, हर एक क्लाउड के लिए। अगर आपको ऑन प्रमाइसेस में करना है तो ऑन प्रमाइसेस के लिए भी है, सारा कुछ यहीं से लेना है। लोकल करना है CRC तो CRC भी आपके पास है। कह रहा CRC इंस्टॉलेशन आपका विंडोज के साथ भी सपोर्टेड है, ठीक है? तो CRC अगर मैं विंडोज में करना चाहता हूं तो क्या होगा? कुछ नहीं, मेरे आप सबको पता है कि विंडोज में भी आजकल क्या आता है सर, आपका हाइपर वी आता है, राइट? तो हाइपर वी में वो एक मशीन बना देगा, उसके अंदर ओपनशिप की कोर इमेज डाल देगा, उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स बना देगा और रेडी कर देगा, बोलेगा इस पे आप प्रैक्टिकल, जस्ट लाइक क्यूबरनेटिस में मिनी क्यूब हुआ करता था। आप मैक के ऊपर भी कर सकते हो, लिनक्स के ऊपर भी कर सकते हो। तो मान लो अगर मुझे लिनक्स के ऊपर करना है, ठीक है, तो लिनक्स प्लेटफॉर्म आपका पहले बना होना चाहिए। अब लिनक्स प्लेटफॉर्म पे क्या बना होना चाहिए? CentOS 7 नहीं होना चाहिए, 8 9 चलेगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास यहां पर एक ना एक VMware है, क्या है मेरे पास ये VM, आप अपने लैपटॉप में सबके पास इंस्टॉल होगा, ये मेरे पास एक VM है। और ध्यान रखना उससे पहले आप आपके पर्सनल PC में, अगर आप CRC भी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो आपके पर्सनल PC में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 16 GB रैम होना चाहिए। मेरे पास कितना रैम है? 32 GB, ठीक है? तो साइज इतना फुल, एक मिनट होल्ड करना ना, मैं इसका साइज थोड़ा कम कर। नील आप प्लीज बना लीजिए, चैट में नंबर मैं डाल देता हूँ हमारे, हाँ तो हाँ कोई ठीक बना देना। ठीक है, धीरज बनाएंगे ग्रुप, आप चैट पे नंबर डाल देना सबका। चलो आ जाओ ना, मैंने अपनी डी ड्राइव में स्पेस खाली कर लिया। आप सबको ना पहले अपना VMware ओपन करना है। VMware ओपन करने के बाद न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है, यहाँ पे आप लिनक्स ले लेना और CentOS 8 या 9 चलेगा। RHEL भी आपके पास है तो ले सकते हो, बट RHEL लेने का कोई वो नहीं है क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी फिर आपको लेना पड़ेगा, CentOS आपको पता है। यहाँ पे मैंने नाम OCP दिया, नेक्स्ट। अब CPU यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ठीक है,
रैम मैंने यहाँ पे कितनी दी थी, 16 GB रैम दी थी मेरे पास, आप 12 देना मिनिमम, मेरे पास 32 है। नेक्स्ट, इसके ऐसी हार्ड ड्राइव दे दी मैंने, हार्ड ड्राइव आप एटलीस्ट 80 GB देना, मैं 100 दे दिया। कस्टमाइज करना और यहाँ पे आके क्या करना, वीटी इनेबल करना, ये ध्यान रखना, ये मत भूलना, वीटी इनेबल जरूर रखना। वीटी इनेबल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ओके इस सर। वी, हाँ बोलो, नहीं नहीं सर ठीक है, वीटी इनेबल करेंगे, वही पे कह रहा था। हाँ वीटी इनेबल इसलिए रखना है क्योंकि ये वीएम जो मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर तो मेरी सेंटोएस लोड होगी और सेंटोएस के ऊपर एक वीएम बनेगी जिसके अंदर ओसीपी इंस्टॉल होगा, ओसीपी की इमेज लोड होगी। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअलाइजेशन करनी है तो वीटी आपको चाहिए, ठीक है? डीवीडी में गया मैं यहाँ पर और मेरे पास क्या है, ब्राउज किया और ये रही मेरी सेंटोएस, एंड फिनिश। अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो जब तक ये हो रहा है। सर ये आप जो इंस्टॉल कर रहे हो 4 OS से कर रहे हैं ना? है। हाँ ये अभी मैं अपना बेस ओएस डाल रहा हूँ, इसके ऊपर मैं वीएम बनाऊंगा और उसके ऊपर ओसीपी की इमेज डालो और वो इमेज मैं लाऊंगा कहाँ से, यहां से लाऊंगा, ठीक ओके है? यहां से लोकल कर रहा ओके हूँ, ठीक है? ओके अगर आप बेयर मेटल करना चाहते हो तो ये इमेज आप पूरी यहां से डाउनलोड करो, फिर उसको बूटेबल बनाओगे, क्लाउड पे करते ओके हो तो ये इमेज रहेगी। तो अभी आप वीएमवेयर में लेना सेंटोएस डाल रहे हो राइट सर? तो वो और उसके ऊपर आप ओपन शिफ्ट डाल रहे हो करेक्ट? उसके ऊपर ओपन शिफ्ट डालूंगा मैं, लेकिन वो ओपन शिफ्ट भी मैं डायरेक्ट ओएस पे नहीं डालू, हाँ उसके अंदर भी वीएम बनाऊंगा, ठीक है? मतलब काइंड ऑफ आप इसको ऐसे समझ सकते हो
कि ये मेरी एक बेयर मेटल मशीन है, इसके ऊपर लिनक्स लोडेड है। ओके, वीएमवेयर एज आप बेयर मेटल कंसिडर कर रहे हो हाँ वर्क स्टेशन को. ठीक है, ये मेरी एक मशीन है जिसके ऊपर मेरे लिनक्स लोडेड है, इसके अंदर भी मैं वीएम डाल रहा हूँ, इसके अंदर भी मैं वर्चुअलाइजेशन डाल रहा हूँ, और वर्चुअलाइजेशन के अंदर एक वीएम बनेगी और उसके अंदर मेरी ओसीपी लोड होगी। तो मेरा बूटस्ट्रैप नोड क्या हो गया, मेरा मुझे बूटस्ट्रैप नोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बूटस्ट्रैप नोड क्या हो गया, मेरा यही मशीन हो गया ये, मेरा गॉट डैशन इट. ओसी यही हो गया, मेरी ओसीपी यहां चलेगी। करेक्ट. तो हम क्या कर ठीक रहे थे सर, ये जो अभी इंस्टॉलेशन किया है ना अपने जो मशीन, उसको एज अ मास्टर कर रहे थे हम और इंस्टॉलेशन ट्राई कर अभी रहे हम थे. लोग सीआरसी कर रहे हैं, सीआरसी में क्या होता है ऑल इन वन, यही मास्टर होता है, यही वर्कर होता है, ओके सब कुछ यही होता है। करेक्ट. सीआरसी में आपका काइंड ऑफ एक इमेज आपको मिलती है, एक स्क्रिप्ट मिलती है जो सब कुछ तैयार करता है। अब देखते जाओ अभी प्रैक्टिकल, ओके अभी सिर्फ इतना समझो कि ये एक ऐसी मशीन है आपके पास जिसके अंदर लिनक्स लोडेड है, ठीक है, ओके उसके अंदर आपका ये वीएम बनेगा और इसके अंदर आपकी ओसीपी इमेज डिप्लॉय हो जाएगी। प्रैक्टिकल कर रहा हूं तो देखते थे। और आपने एक बोला था कि आईपीआई के लिए भी वो फाइल कहाँ से लेना वो सब यहीं से लेंगे, आप जितनी भी था. इंस्टॉलेशन करना होगा सारा यहीं से लेंगे। अभी हम लोकल कर रहे हैं, एक ओके डेटा सेंटर चलो एक क्लाउड है, अभी हम लोकल कर रहे हैं। ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आ गया मैं, ऑटोमेटिक रूट पासवर्ड सेट कर देता हूँ। और एक नॉर्मल यूजर चाहिए होता है इनको, जो किसी आरसी इंस्टॉलेशन नॉर्मल यूजर के थ्रू ही होता है, तो ओसीपी ओसीपी पासवर्ड दे देता हूँ। इंस्टॉल 10 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। अब रेडिट क्या बोलता है, थोड़ा सा पॉइंट और समझो। रेडिट कहता है कि मेरा ओपन शिप का जो कोर्स है उसके अंदर हम इंस्टॉलेशन आपको नहीं बताते, ठीक है, उसके अंदर हम आपको कोई भी इंस्टॉलेशन आपको नहीं सिखाते, ना ही आईपीआई, ना ही यूपीआई, ना ही सीआरसी। तो रेड हैट के एग्जाम पे अगर आप जाते हो ओपन शिप का, तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, और ना ही आप अगर फ्रेशर इंटरव्यू में जा रहे हो तो ना ही आपको डिस्कशन करता है। लेकिन इंटरव्यूअर क्या कहता है कि आप फ्रेशर नहीं हो, आप ओपन शिप में कहीं से काम करके आओ, उनका ये कहना होता है। तो उस टाइम पर वो लोग आपसे इंस्टॉलेशन पूछते हैं, पता है, एक मिनट रुकना, एक जस्ट एक एक कॉल। हेलो,
चलो कहाँ पे था मैं, एक बार याद दिलाओगे? मैं भूल गया, बात कर रहा था। कौन सा पॉइंट बता रहा था मैं? साउंड आ रहा है सबको? यस, ब्रेक हो रहा है फिर से। नहीं, मैं कहाँ पे बोल रहा था एक बार बता सकते? आप यहाँ पे थी कि वो रेड हैट वाला बता रहे थे कि जो हाँ, ओएस इंटरव्यू की बात, अकाउंट वाला। राइट। तो रेडिट क्या बोलता है कि अगर कोई बंदा ओपन से सीखने आ रहा है, ठीक है, तो वो अपना पूरा क्लस्टर बना के देते हैं और आपको सब कुछ रेडी टू मूव दे देते हैं। आपको बता देते हैं ये मास्टर है, ये वर्कर है, और सीधे आपकी अपनी जो ऑपरेशन वर्क का काम होता है वो आप डायरेक्ट करते हो। ऑपरेशन वर्क में फिर आपका डिप्लॉयमेंट टाइप हो गया, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें आप करते हो। उनका मानना ये है कि इंस्टॉलेशन कहीं भी किसी भी कंपनी में हो रहा है तो ओपन शिफ्ट का अकेला बंदा नहीं करता, क्योंकि इंस्टॉलेशन चाहे आईपीआई मेथड हो चाहे यूपीआई हो, कोई भी मेथड इंस्टॉलेशन अगर की जा रही है कंपनी के अंदर, तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो। जस्ट लाइक मैंने आपको शुरू में बताया कि वर्चुअलाइजेशन की टीम भी इन्वॉल्व होगी, नेटवर्क की टीम भी इन्वॉल्व होगी, डीएनएस भी होगी, डीएचसीपी भी होगी, एन नंबर ऑफ टीम आपके साथ इन्वॉल्व। और साथ में सबसे जो बड़ा बड़ा रीजन ये है कि अगर आप ओपन शिफ्ट चूज कर रहे हो तो रेडिट कहना है कि आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लो, और जब हम आप हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फिर हम आपको इंस्टॉलेशन के लिए गाइड करें। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? हाँ, यस। लेकिन आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इंस्टॉलेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपको किसी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू में जाओ तो आप बता सको कि हाँ नहीं, मैं प्रोडक्शन पे मैंने काम करके आया इंस्टॉलेशन की। तो आज हमारा जो इंस्टॉलेशन हो रहा है वो क्या है, सीआरसी में। तो ये आईपीआई और यूपीसी भी रिकॉर्ड करने वाली इंस्टॉलेशन है। हाँ जी, ये भी करेंगे। या थैंक यू सर। तो ये हमारा 50% हो गया, 50% और बचा है। तो मैं तब तक ना वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो क्रिएट कर सकते हो, या फिर कुछ अपने काम हो 2-3 मिनट तो कर सकते हो। ओके सर, पॉज कर दो सर एक बार। तो ये देखो हमारा इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, रिबूट में क्लिक कर रहा हूँ। ओके
हेलो हेलो, हाँ बोलो या बोलो लगा धीरज। सर, मेरा मेरा स्टक स्क्रीन हो गया इसलिए मैंने। नहीं, अच्छा आप नहीं, इसके ये रिबूट हो रहा है ना इसलिए। ओके, मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ कोई तो नहीं कोई नहीं, समटाइम्स मेरा नेटवर्क जा रहा है। कोई बात नहीं। चलो आ गया हमारा, यहाँ पे ये क्लिक करना है, ये सब, उसके बाद एक्सेप्ट, फिनिश इंस्टॉलेशन, 10 एंड फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप ओसीपी पहले रूट से लॉगिन करो और ओसीपी को ना सूडो पावर दे दो, ठीक, क्योंकि नॉर्मल यूजर से ओसीपी कॉन्फ़िगर होगा आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट, सूटर्स वाली फाइल पे जाओ, उसके बाद फिर आप अपना लॉगिन कर लो किससे, ओसीपी यूजर। ठीक है, अब पता है यहाँ पे ना एक काम सबसे पहले करना, एक बार ना रूट पे चले जाओ फिर से, ठीक, वापस रूट पे, मैं यहीं से चला जाता हूँ, रूट का पासवर्ड मुझे याद है। आप ना इस पे आईपी देख लो, क्या आईपी है अभी इसका, कनेक्शन डाउन है ना, चैनल से ले कनेक्शन अप कर लेना, ठीक है, और इफ कॉन्फिग कमांड यहाँ पे रन करो, ठीक है, अब वापस एग्जिट करके आप आ जाओ यहीं पे। अब एक काम करो ना, यहाँ पर ना एक यम की ना रेपोजिटरी क्रिएट कर दो, क्या करो, यम की एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लो, तो जो डीवीडी से आपने इंस्टॉलेशन किया वो डीवीडी देखो यहाँ पे दिख रही है, एक बार ना df -h कमांड मारो,
तो डीवीडी यहाँ पर नहीं है, तो आप एक बार ना राइट क्लिक करके डीवीडी को यहाँ से कनेक्ट कर लेना, तो डीवीडी यहाँ पे आ जाएगी आप। अब आई थिंक आ जाएगी। ये इसको ना माउंट कर लो, पता है एक बार, क्योंकि यम रेपोजिटरी मुझे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ेगी अभी। डेव SR0 और मैंने माउंट कर लिया MLT के अंदर। अब मेरे को OCP का पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि सूडो के थ्रू कर रहा हूँ। OCP का पासवर्ड मैंने दिया था OCP@2030। तो आपने जो VM बनाओगे, तो जो भी नॉर्मल यूजर आप यूज कर रहे हो, वही उसका पासवर्ड आप यहाँ पे देना, ठीक है। क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड। अच्छा, कमांड नॉट फाउंड क्यों बोला, क्योंकि मैंने यहाँ पे माउंट कमांड यूज नहीं किया ना, सॉरी। तो DF-NH किया, तो ये DVD माउंट हो गई इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, sudo cdetc yum.repos d में आ जाओ, और यहाँ पे आके रेपोजिटरी क्रिएट कर लो, vim। तो मैंने ocp.repo नाम की फाइल बनाई, और यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन लाइक बेस ओएस, ये सब तो आपको पता होगा, लिनक्स में आपने पढ़ा होगा, हाँ यस है सर, है ना। ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, ये फाइल प्रोटोकॉल क्या होता है। मेरा एस का बटन काम नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे एक और रेपोजिटरी ऐप स्ट्रीम की भी बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। रूट से लॉगिन नहीं है क्या ये? कोई नहीं, मैं इसको कॉपी करता हूँ। सूडो भी नहीं लगा, हाँ सूडो भी नहीं लगाया ना मैंने, तो राइट्स नहीं है इसके पास। हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करना, अब आप आ जाना कहाँ, यहाँ, ठीक है। अब आपके पास लिनक्स प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है, अब आपको करना डाउनलोड, ठीक है, ओसीपी की लिंक। तो यहां से कॉपी लिंक करना, और यहां चुपचाप पहुंच के क्या करना, सारे स्टेप देखते जाना, याद रखना, बोलना ये आ गया। इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लो, परमिशन देना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सीआरसी का पैकेज आप पहले डाल रहे हो, सीआरसी सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, फिर सीआरसी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे। तो इस फोल्डर के अंदर आप चले जाओ, यहाँ पे देखो ये सीआरसी है, इसको आप क्या करो, कॉपी कर लो सीआरसी को, कहाँ पे, बिन के अंदर, ठीक है।
इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पे कमांड मारो सीआरसी वर्जन। अगर ये चल गया तो समझ लो सीआरसी आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो सीआरसी क्या हो गया आपका, इंस्टॉल हो गया। अब यहां पे मैं एक कमांड रन करूंगा सीआरसी सेटअप, तो ये कमांड क्या करेगा पता है, ये मेरे इसके अंदर ऑलरेडी एक केवीएम इंस्टॉल है। केवीएम सुना सबने, रेड हैट अपने अंदर वर्चुअलाइजेशन डाल के देता है, जैसे विंडोज वाले हाइपर वी डाल के देते हैं, तो रेड हैट अपने अंदर केवीएम सॉफ्टवेयर डाल के देता है। समझ आ रही मेरी बात यहां पे? तो उस केवीएम पे एक वीएम बनाएगा और उसके अंदर सीआरसी सेटअप करेगा, अपने आप इमेज वगैरह पुल करके लाके वो सब कुछ मुझे पूरा ओसीपी बना के देगा, देखना। तो इमेज भी डाउनलोड करेगा, देखना। सीआरसी सेटअप जैसे मैंने किया तो यहाँ पे यस इसने मेरे से बोला, क्या कर रहा है, पूरा केवीएम वगैरह बना रहा है। स्टेप्स आप पढ़ो, लिबवर्ट पूरा नेटवर्क सब कुछ तैयार करेगा ये। और ये देखो 4 GB की एक इमेज ला रहा है ये ओसीपी की डाउनलोड करके। तो ये ओसीपी की कोर इमेज डाउनलोड कर रहा है, और कोर इमेज डाउनलोड करने के बाद फिर मैं ये कोर इमेज डाउनलोड करेगा और देन उसके बाद वो वीएम के अंदर अपना बना के दे देगा। तो एटलीस्ट 5 6 10 मिनट इसमें भी लगने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे पॉज कर रहा ओके हूँ रिकॉर्डिंग। सर, एक क्वेश्चन है। तो हमने सही, यहाँ पे सीआरसी डाल रहे हैं, राइट? तो हमारा सिंगल नोड, एक ही नोड हमारा मास्टर और वर्कर नोड हो जाएगा राइट इधर, राइट राइट? राइट तो उसी सेम वर्जन से हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि और एक नोड करके, ये सेम प्रोसीजर करके हम उसको, या एज अ वर्कर नोड और एक कोई तो मशीन बना के यहाँ पे इस वाली इसको मास्टर में ऐड कर फिर वो सकते आपका हैं। सीआरसी सेटअप नहीं कहलाएगा, फिर वो आपका आपका सीआरसी नहीं कहलाएगा, वो आपका ओपी यूपीआई हो जाएगा। यूपीआई हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, गॉट इट। क्योंकि इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ता है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसा सब प्रोसेस ये कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। राइट राइट फिर आप राइट, दूसरा ये नोड अगर स्मूथली सब बनाओगे कर तो वो देगा, दूसरा क्लस्टर काइंड ऑफ बिहेव हो करेगा, गया। राइट राइट उसके अंदर अपना राइट अपना राइट राइट एपीआई है, अपना ETCD है। हाँ, राइट, वो फ्लक्चुएट हो जाएगा नेटवर्किंग सब स्प्लिट सब कॉन्फ़िगरेशन। हो जाएगा पूरा, वो दूसरा दूसरा राइट, वो काइंड ऑफ रिप्लिकास हो जाएगा ऑलमोस्ट। रेप्लिका भी नहीं होगा, वो क्लस्टर ही अलग होगा, डोमेन ही अलग हो गया। राइट 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 राइट, समझ गया सर। मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे पॉज कर देता हूँ, जैसे ही हो जाएगा फिर आगे करेंगे, तो लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। भी दिया था तो मैं 8 GB क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? यहाँ पे जो ओसीपी है आपका, आपने ओसीपी वीएम पहले बनाया था उसको आपने 16 GB रैम दिया था, राइट? और 2 कोर्स। तो इंस्टेड ऑफ मैं वहां पे 2 कोर और 8 GB देके सीआरसी ट्राई नहीं कर चलेगा, सकता हूँ? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्योंकि ओके देखो ये सिंगल नोड का मतलब हुआ है कि इसी के अंदर आपका मास्टर रहेगा, वर्कर रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो एटलीस्ट मिनिमम 12 GB रैम चाहिए, क्योंकि इसके जो अपने इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर भी एक बाउंड्री है, कितने रैम पे ही चलेगा तो चले। तो करेक्ट करेक्ट, वो एक्चुअली बारह जीबी से प्रीडिफाइंड ही नीचे नहीं रिक्वायरमेंट चलेगा, है। आप 11 GB भी दोगे तो भी स्टक हो जाएगा। ओके, 12 GB तक चलेगा। ओके राइट यही एक प्रॉब्लम है इसकी इंस्टॉलेशन के साथ, पता है। हार्डवेयर इन्होंने जो राइट। हार्ड कोड कर दिया है ना, वो कर ही दिया है। तो मैं 5 मिनट का मैं आ रहा हूँ, आप लोग भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो जब तक ये, ठीक है। सर, रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, रिकॉर्डिंग हाँ, स्टार्ट हो रखी रिकॉर्डिंग है। पॉज कर रहा हूँ, लंबी हो जाएगी रिकॉर्डिंग पॉज। हाँ चलो तो देखो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, योर सिस्टम इज करेक्टली सेटअप फॉर यूजिंग सीआरसी। आपका सिस्टम पूरा तैयार हो गया। अब कह रहा है कि स्टार्ट सीआरसी स्टार्ट करो, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको सीआरसी स्टार्ट कमांड रन करना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर द फुल सीक्रेट। ये क्या बोल रहा है पता है, कह रहा है ये जो आपने यहां से ऊपर रेडिट का जो ओपन सिप का साइट है वहां से जो आपने इमेज लाया है ना, तो कह रहा उन्होंने ना उसपे ना की लगा रखा है, ऐसे कोई नहीं यूज कर सकता।
तो कह रहा है आप यहां से ये की कॉपी करो और अपने इधर पेस्ट कर दो। लिंक भी दिया हुआ है आपकी, यहां चले जाओ, जरूरी नहीं है कि याद रखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड एंटर। तो अब मेरा सीआरसी कंप्लीटली तैयार हो गया। लाइन पे हो ना, कहीं गए तो नहीं कोई? नहीं सर, है सर। है सर, देखो सीआरसी वर्जन क्या है, ओपनशिफ्ट का 4.18 क्या चल रहा है, 4.18 लेटेस्ट वाला लाया ओके, 4 पॉइंट है। कोई अगर पूछे सुरम। लेटेस्ट क्या है, 4.13। हाँ ओके, बोलो। तो हमने लास्ट वाला जो इंस्टॉल किया है ना हमारी इंडस्ट्री में सर, तो 4.12 किया है, अपग्रेड किया है हमने 4.8 से 4.12, अभी वो इन प्रोग्रेस चल रहा है अपग्रेड। तो अभी 13 आ गया है, ओके, तो 13 लेटेस्ट है क्या सर? लेटेस्ट 13। अब एक एक वर्जन के लिए कौन ही करता है, 5-6 हो जाता है तो करते हैं। हाँ, एक एक के लिए कोई भी करता ही नहीं है डायरेक्टली, कोई बड़ा मेजर आ गया तो वो कर देते हैं कि वो रिक्वायर्ड चेंजेस है, इसलिए तब तक अनटिल एंड अनलेस कोई चेंज नहीं करता। तो देखो एक आईपी भी मिल गई उसको, सीआरसी वीएम भी रनिंग में आ गया, और आप देख भी सकते हो ये चीजें कहाँ जा रही होंगी। आप यहाँ जाओ, यहाँ पे सर्च करो वीएम, ये रहा केवीएम वर्चुअल मशीन, यहीं से इंस्टॉल। रुचा इसको तो बाद में भी कर लेंगे, बट इसको कंप्लीट हो गए तो ठीक है। देखो सारे कंपोनेंट्स ये बना रहा है पूरे के पूरे, रेडी टू यूज। आप ही ये देखो, देख रहे हो? तो सीआरसी आपका कहाँ चल रहा है सर, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म के अंदर। ये वीएम बनी है, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है। इसको आप ना ऐसे करके देख भी सकते हो ओपन करके, अभी ओपन करके ये देखो अभी बन रही है पूरी तरीके से। अभी आपको आईडी पासवर्ड सब कुछ दे देगा।
तो ये देखो सर, आपके सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, यस देखते जाओ इसको। इसको काइंड ऑफ हम मिनी क्यूब भी कह सकते हैं ना, नहीं सॉरी मिनी मिनी क्यूब या से स्ट्रांग है सर, मिनी क्यूब तो देखो 1 GB रैम में हो जाता था, इतना हैवी चीज नहीं इसका मिनी ओपन शिप भी है ना है। कुछ मिनी तो। क्यूब ही पूरा बोल दो, हाँ ओपन फिट कंपनी। हाँ। और एक सर पूछना तो, ओकेडी इंस्टॉलेशन क्या है फिर, ओपन शिफ्ट ओकेडी, क्या ओपन शिफ्ट ओकेडी इंस्टॉलेशन एक है ना, मैंने देखा था ओकेडी, ये कहाँ देखता है, ये पूछो बताओ। 3.11 में कुछ तो था शायद, यूपीआई होगा नहीं ओकेडी इंस्टॉलेशन कुछ तो था मैंने देखा था एक बार, मुझे देखना पड़ेगा फिर से।
ये क्या कर रहा है देखो, रजिस्ट्री से ना इमेज डाउनलोड कर करके ला रहा है, देखो रे कंट्रोलर मैनेजर है। ओके तो सर ये सिंगल नोड ही मास्टर और वर्कर नोड रहेगा, तो इसमें हमें वर्कर नोड की कोई की वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं, राइट? ये सब अपने आप क्या लेगा। कह रहे हो, अभी ये सिंगल नोड वर्क मास्टर भी नोड हो कुछ जाएगा नहीं और करना वर्कर सर, नोड आपस भी। में इंटीग्रेट करके दे देगा। ओके, जैसे इंस्टॉलेशन खत्म हो जाता है तो अपना ओपनशिप क्लस्टर और वर्कर नोड रेडी है एज इट, अभी राइट? आपको आईडी पासवर्ड सब दे देगा, देखना प्लस ओके ओके ग्राफिकल सब कंसोल दे देगा। कुबरनेटीज में तो ग्राफिकल नहीं मिलता था, इसमें तो ग्राफिकल ही बना के दे देगा। मतलब इनकी जो इमेज है उसके अंदर ग्राफिकल पैक सब कुछ सेटअप पहले से रेडी। तो देखो क्या हुआ, इसने बोला एक तो वेब कंसोल का लिंक दिया है और एक कमांड लाइन का दिया, ओके ठीक है। और और ये मान लो सर आपका इसका इसका आउटपुट ये चला गया समहाउ हमारे से, तो ये फिर से इसको कैसे फिर कनेक्ट, मान लो सीआरसी यू आर सर्विस एल। स्टार्ट कर दो, फिर आ जाएगा। ओके फिर से, लेकिन वो इतना स्टेप्स लेगा सीआरसी नहीं स्टार्ट नहीं करने इतना के नहीं, बाद? वो तो जो चीज होगा वो नहीं करेगा दोबारा। ओके वो स्किप करके वो डायरेक्टली दे देगा। ओके तो देखो आप चाहो तो ये चीज डायरेक्ट यहाँ लॉगिन कर लो, ठीक है। बट यहाँ लॉगिन करने का मतलब आप फिर से मास्टर पे लॉगिन करके, तो बूट स्ट्रैप नोड आपका यही हो जाएगा, यही हो जाएगा पैसा। आप लॉगिन करना चाहते हो तो कह रहा है कमांड लाइन से लॉगिन करना, तो ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करो। पैकेज वगैरह तो इसने सब डाल ही दिया, ठीक ये दूसरा कंसोल कौन सा है सर, है। थोड़ा बता रहा समझ में हूँ नहीं आ रहा। ग्राफिकल, आप ग्राफिकल भी काम ग्राफिकल। कर सकते हो ओपन शिफ्ट में, ओके पता है। तो यहाँ पे यूजर नेम देखो, दो यूजर देता है, एक डेवलपर यूजर देता है और एक होता है एडमिन यूजर। डेवलपर वो होता है जो डेवलपर वाले काम कर रहे हैं, एडमिन यूजर मतलब प्योर एडमिन। आप एडमिन हो तो दो आईडी पासवर्ड दे, तो मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। एडमिन यूजर नेम क्या है, क्यू एडमिन, ठीक है। और हाइफन पी करके ये पासवर्ड दिया है। और कमांड लाइन से लॉगिन करने के लिए देखो एपीआई का लिंक दिया है, वो अंदर जो एपीआई चल रहा हो। देखो ये क्या हो गया, लॉगिन होसी लॉगिन।
एक मिनट रुक जाओ, एक बार इससे देखते हैं लोग। ओके कमांड लाइन भी लॉगिन कर लेंगे, कोई नहीं। ग्राफिकल ये तो जैसे पता है कि कुबरनेटीज में आप लोग जो चीज कमांड लाइन से करते हो ना, अगर आपको ग्राफिकल चाहिए कुबरनेटीज में तो आपको ना थर्ड पार्टी टूल के थ्रू इंटीग्रेट करके ग्राफिकल लाके लाना पड़ता था कि कुबरनेटीज में जो मैं पॉड बनाता हूँ ये सब करता हूँ ये सब ग्राफिकल आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये लोग ना ग्राफिकल अपने से बना के देते हैं। एडवांस एक्सेप्ट तो ये देखो कह रहे बाय डिफॉल्ट डेवलपर से लॉगिन करने के लिए, तो आप डेवलपर आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो, बट मैं एड से लॉगिन करता हूँ। देखो तो आप यूपीआई करो एपीआई करो आउटपुट सबका ऐसे ही हो। राइट, वो कंसोल ही आएगा। देखो अब आप ना कुछ भी करना है ना सर यहां से कर सकते। मुझे वर्कलोड तैयार करना है, मुझे पॉड बनाना है, डिप्लॉयमेंट बनाना है, तो सब कुछ ग्राफिकल कर सकते हैं। यही तो है ओपनशिफ्ट की बेनिफिट। कुबरनेटिस में ऐसा ग्राफिकल लाने के लिए ना कहते हैं ना पसीने निकल जाते। राइट, अभी लेंस आया ना सर, लेंस पर यूज कर सकते हैं ना। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। हाँ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर इसमें देखो सब कुछ, देखो स्ट्रेटजी सब कुछ आ रहा है, पॉड बनाना है सब कुछ आप यहाँ से कर सकते। वायाकन क्रिएट पॉड, ये देखो यहाँ से ही पॉड बना के दे देगा। ये हो गया ग्राफिकल। कमांड लाइन करना है तो कमांड लाइन भी लॉगिन हो जाएगा जब ग्राफिकल हो गया। देखते हैं दिक्कत क्या आता है। सर हाइपन पी हटा के एक बार ट्राई कर सकते हो आप, उसी लॉगिन और सिर्फ यूआरएल डालो। नहीं यूजर नेम तो देना पड़ेगा। नहीं, उसके बाद वो यूजर नेम आएगा ना, वो पूछेगा बाद में यूजर नेम और पासवर्ड। राइट
आप ये कह रहे हो कि पासवर्ड मत दो, बाद में देना है ना। हाँ बाद में दे सकते हैं ना एक बार चेक, हाँ पता उसमें हमें ये ओसी लॉग के बाद पता चलेगा ना कि इशू क्या चल है। जाए प्रॉब्लम कहाँ। हाँ ओसी लॉग हाइपन हाइपन कुछ तो कमांड है ना, लॉग लेवल चेक कर सकते हैं उसका। हाँ हो गया लॉगिन सर। लॉगिन हो गए ना, ओसी गेट नोड करो, देख रहे हो, करेक्ट। ओसी गेट एनएस करो नेम स्पेस, इतने बड़े हुए, ओसी गेट पॉड करो, सॉरी ओजी लिख दिया, ओसी गेट पॉड करो, समझ आ रही बात यहाँ पे, नहीं तो हो गया समझ में आया क्लियर। सर। ओसी गेट एनएस है ना, तो उसमें वो उतने नेम स्पेस बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट कर इन्होंने लेता है वो। इन्होंने बहुत से नेम स्पेस आपको बनाकर दे दिए कि आपको आगे मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, कि ओके। डीएनएस वाली यहाँ डाल देना, यहाँ डाल देना, ऐसे, समझ आ गई। तो ओके मैं कहता हूँ आज करें यहीं पे खत्म, हाँ चलेगा सर, क्योंकि बहुत लोग भी अभी थोड़े से उनका तो एनर्जी ठीक भी है, डाउन आप हो लोग गए ना शायद। कल प्रैक्टिस करना, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। हाँ हाँ ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए तो प्लेग्राउंड ही यूज़ करना पड़ेगा मेरे पास नहीं अभी नहीं ये हार्डवेयर। यूज करो ना, ये सेटअप सीआरसी करो। सीआरसी के लिए भी बोला ना, अपने 16 GB चाहिए, मेरा हाँ तो नहीं है किसी के पास? 8 GB है। नहीं है सर, मेरे पास नहीं है सर, ये रैम रैम एक्सटेंड करा लो आज। एक्चुअली क्या है ना कि चलेगा। इस मेरे इस लैपटॉप में भी नहीं थी रैम, पता है, मैंने इसको हाँ ना तो वन एक्सटेंड ट्वेंटी एट कराया, जीबी दिख रहा है सर। हाँ मैंने इसको एक्सटेंड कराया, तो आप भी करा लो, ज्यादा नहीं, अगर आपके पास 8 GB का है, दो स्लॉट होगा तो एक निकाल तो देना। मैंने मैंने क्या किया है सर पता है क्या, हमारे पास एक नॉन प्रॉड क्लस्टर है, तो उसमें मैंने कंपनी से मैनेजर से एक्सेस लिया, एक नेम स्पेस दे दो मुझे करके, मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा तो मैं ट्राई कर रहा हूँ उसी नेम स्पेस में खेल लूंगा फिर, क्योंकि ये नया सेटअप बना से अच्छा है। ठीक है, कर लो प्रैक्टिस कर लो, हाँ, ठीक ओके है, सर, थैंक ओके यू। बाय। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी सर? मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी ना, ओके चलेगा। ओके 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 थैंक थैंक यू। यू, ओके थैंक यू।